अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर अभियत से होंगे। आज का हमारा वीडियो है इंडियन कमोड टाइल लगाने से पहले प्लास्टिक की का तरतीब, ठीक है, और टाइल लगाने के बाद किस तरह होता है। तो मैं आपको चल कर दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक बाथरूम है, ठीक है। ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये इंग्लिश कमोड है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास इंडियन कमोड है। ये इसका जाली है, ठीक है। तो अभी ये जो साइफोन आपको नज़र आ रहा है, साइफोन यानी प्लास्टिक की का पॉइंट है, ठीक है। तो ये प्लास्टिकी का पाइप हमने डाला हुआ है। तो ये 1 इंची का पॉइंट हमने इधर डाला हुआ है, ये 1 इंची का पाइप है। मगर हमने डाला हुआ कैसे, ये आपको नज़र आ रहा है। ये देख, ये टायर लगाने से पहले, यानी जिस वक्त हम PPR का काम कर रहे थे, उस वक्त हमने ये पाइप डाला हुआ है। इस जगह पे ये पाइप बिल्कुल नहीं जाया हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो आपने ये करना है कि ये जिस वक्त टायर वाला आता है काम पे लगता है, तो आपने उसको कहना है कि ये वाला टायर आपने नहीं लगाना, ये वाला टाइल आपने नहीं लगाना। वो इस वजह से यहाँ पे अभी फिर जब आप इंग्लिश का इंडियन कमोड बिठाओगे, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पे कटाई करोगे, और यहाँ पे जो आपने ये पाइप ऊपर से नीचे उतारा हुआ है, ये फिर आपने काट कर उस इंडियन कमोड में लगा देना है, उसका वर्ष लगा देना है और वो लगाना है। इंडियन कमोड लगाने का पूरा तरीका मेरे पास मेरे चैनल में मौजूद है, वो आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये टाइल जो है, ये तब लगता है जब इसमें जो है ना पूरी घर का फर्श का टाइल लग जाते हैं। पूरे घर का जब फर्श का टाइल लगता है, तो बाद में जब बाथरूम के फर्श का टाइल लगाते हैं, ठीक है, तो उस वक्त फिर हमको बुलाते हैं, हम इधर इंडियन कमोड लगाते हैं और इसका ये पाइप कनेक्शन करते हैं प्लस टेंकी का। और उसके बाद फिर ये लोग जो है ना, यहाँ पे ये एक टाइल जो यहाँ पे रह गया था, ये फिर उसके बाद यानी इंडियन कमोड लगाने के बाद ये अपना ये एक टाइल लगाता है, ठीक है। तो ये टाइल ये वैसा आर्जी तौर पर जब शुरू करता है अब बाथरूम, तो यहाँ से लेकर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ये पूरा टाइल लगा लेता है। बाद में घंटे डेढ़ घंटे बाद जो है ना, ये वाला टाइल उतार लेते हैं और उतार के रख देते हैं। वो लगाने का पैदा इनको ये होता है कि इसका मीज़ान हो जाता है, यानी लेवल हो जाता है, लेवल हो जाता है। तो इस वजह से ये लाजिम ये टाइल लगाता है। मगर वो जब कभी कभार तो भूल जाते हैं, कभी कभार याद रहता है। तो फिर अगर आप इस जगह पे हो, तो आप अपने बिल्डिंग में हो जहाँ पे काम हो रहा हो, तो आपने लाजिम इसको चेक करना है कि टाइल वाले ने टाइल उतार दिया या नहीं उतार दिया, ठीक है। तो बाज़े लोग जो बाज़े अवकात लोगों से भूल जाते हैं, कई लोग उतारते हैं कहीं नहीं, तो यह आपने लाजिम चेक करना है, या उसको बोलना है, या उसको फ़ोन करना है कि भाई आपने प्लास्टिक की जो है ना, जहाँ पर हमारा प्लास्टिक की पाइप आया हुआ है, उसको आपने टाइल नहीं लगाया, नहीं लगाना। अगर लगाया तो आपने उसको उतार देना है, नहीं तो बाद में इसका ये टाइल लाजिम आपको तोड़ना पड़ता है। और तोड़ने के साथ फिर कभी कभार ऐसा होता है कि इसके आसपास भी टाइल तोड़ जा टूट जाते हैं। अगर टाइल आसपास टूट गया, तो फिर सब्जी जो है ना वो मुश्किल कर देते हैं, ठीक है। तो आपने ये एहतियात करना है, उसको ये बताना है कि आपने भाई टाइल नहीं लगाना, ठीक है। तो इस तरह ये इसका वाल है, अब इसको वाल जो है ना हमने उतारा हुआ है, इसका वाल हमने बाद में फिर इसको फिक्स करना है, ठीक है। ये इसका सद्दा है, यानी एंड कप है, ठीक है। इसके बाद जो है ना ये शताब है, ये शताब यानी मुस्लिम शावर, गर्म ठंडा मिक्सर वाल लगेगा, तो ये दोनों इस्तेमाल करेगा। ये इंडियन कमोड वाला, इंडियन कमोड जो है ना वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इंग्लिश कमोड वाला जो ये वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने एक प्लास्टिक की पॉइंट ये हुआ है इंग्लिश कमोड का, ये दूसरा भी हमने सीधे हाथ पे दे दिया मुस्लिम शावर, ठीक है, वो ठंडे पानी का। हो सकता है वो कोई यार ठंडे पानी से इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो बाद में इसको हम क्या करते हैं, इसको हम वो GI वाला लोहे वाला जो है ना प्लग वो लगा लेते हैं, बंद कर देते हैं जो यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसका शावर है, ये आप चेक कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए हमने ये लगाता है, बाकी था मैं टेस्टिंग पे भी एक वीडियो बनवाऊंगा कि इसको अपने फिर PPR का काम करके टेस्टिंग किस तरह करना है। टेस्टिंग लाजमी होता है, वो जहाँ पर आपका लीकेज होता है, वो लीकेज कहाँ से आपको पता चलता है किस तरीके से, तो मैं वो वीडियो भी बनवाऊँगा। ये इसका गीज़र है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। बाहर इसका ये दो जो है ना मकसद ये, यानी बेसन ये दो है इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये दो मकसद है, ये हमने पॉइंट चोला हुआ है, सही है, ठीक है। तो अच्छा, बिजली की तो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको दिखाऊंगा कि ये तारे इसका क्या मकसद है जो बेसन के साथ जोड़ते हैं, ये ऊपर का क्या मकसद है, ये ऊपर तो शायद आपको पता होगा, मगर नीचे का क्या मकसद है तो बताऊँगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, इंशाल्लाह बिजली का वीडियो बनाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।